के साथ कहना पड़ रहा है, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारे एक फैमिली मेंबर को हमें छोड़ना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि उस फैमिली मेंबर से हम लोग इतना प्यार करते हैं और उसने हमें इतना ज्यादा पैसा, समझिए कि लाखों रुपए तक हमको कमा करके दिया है। सोचिए ये जो घर आप देख रहे हैं ये सब उसी के पैसे को बदौलत से हुआ है और उसी के वजह से हुआ है। और वो हम लोग के हाथ में पैसा खत्म होने वाला होता है ना, तभी कोई ना कोई मुसीबत आता है दोस्तों। इससे यह सीखना चाहिए कि अपने घर के खर्चा के लिए, मुसीबतों के लिए पैसा बचा के रखना चाहिए। और दोस्तों देखिए हमारे ससुराल जाने के लिए मिठाई यहाँ पे एकदम रेडी हो गया है दोस्तों। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये मिठाई पूरा। और यहाँ पे देखिए कपड़ा भी ये रख रही है पूरा, कैज और रखे हैं कपड़ा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, खुश रहिए खुश रहिए। चलिए आज के प्यारा ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज घर में सबकी साफ सफाई करना है, सब कुछ अच्छे तरीके से, और छत भी सफाई करना है, कपड़े वगैरह सब कुछ बढ़िया से सेहत लेना है, क्योंकि इनको जाना है घर और हमको जाना है अपना ससुराल दोस्तों, है ना। तो फिलहाल अभी गर्मा गर्म चाय बन रहा है, पकौड़ी बन रहा है, चलिए मिलते हैं। तो आज गैस जो है ख़त्म हो गया था, तो अभी भरवाने के लिए आए हुए थे, ठीक है। यहाँ देखिए ढेर सारा गैस है रखा हुआ, फिलहाल अभी घर पे लेकर के चलते हैं। हम लोग के हाथ में पैसा ख़त्म होने वाला होता है ना, तभी कोई ना कोई मुसीबत आता है दोस्तों। इससे यह सीखना चाहिए कि अपने घर के खर्चा के लिए, मुसीबतों के लिए पैसा बचा के रखना चाहिए दोस्तों। फाइनली गैस सिलेंडर भरवा करके ले आए थे, तो अभी गर्मा गर्म खाना वाना एकदम बन के रेडी हो गया है बढ़िया तरीके से, और घर के अंदर में जो है रख दिया गया है। और साथ ही साथ रात का भी खाना बचे हो तो सबसे पहले वो खाएंगे। आज बना था पकौड़ी, तो पकौड़ी मस्त भी खा लिए। सबसे ज़्यादा टेंशन हो गया दोस्तों गैस कहाँ डलवाएं, क्योंकि ये जगह मेरे लिए बिल्कुल भी नया था। इसलिए कई सारे भैया लोग हैं उनसे हमने पता किया, तो पता चला कि बगल में ही जो गैस की एजेंसी है वहाँ पे आराम से आपको गैस मिल जाएगा। जो आपका गैस वहाँ रख के चले आइए, दूसरा आपको गैस मिल जाएगा। तो पूरा जो है लगभग टोटल समझिए कि 900 के लगभग पड़ गया, यानी 14 से 15 किलो तक गैस इसके अंदर आ जाता है दोस्तों। तो फिलहाल अभी हमने कर दिया वीडियो का एडिटिंग, उसके बाद दोस्तों चलेंगे छत की सफाई करने, गाड़ी की भी सफाई करवाएंगे। तो कल मेरी बीवी जा रही है अपने घर, क्या लाना है बताओ? दो पैकेट, जो पैकेट वाला गरी वाली लाए, हाँ, और बुरादा वाला गरी ले आना, हाँ, और बस जो पीसा वाला गरी होता है ना, हाँ, उसी को बुरादा वाला गरी कहते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों मैं राशन का सामान लेकर के आता हूँ, उसके बाद मुझे जाना है छत पे, छत पे जाके जूता की सफाई करना है। और कोई कपड़ा तो अभी धुलना नहीं है कि नहीं, आगे सब रहने देते हैं अभी? जूता और पादान एक साथ डाल दो, हम दोनों को धुल देते हैं। जूता तो हाथ से धुलेंगे, पादान को उसमें डाल देते हैं। अभी मत डालो पादान, पड़ा रहना, तो जूता हाथ से। पादान तो है अभी, कितने सारे पादान है रखा हुआ, चलो ठीक है। और कपड़ा अभी कौन सा, अब उतना भी कोई गंदा है नहीं, धुली गया है। और आपके लिए कपड़ा है ना सब, चलो कोई नहीं, छत की थोड़ी सफाई भी कर देंगे, सही रहेगा घर में। हाँ वो अपने हिसाब के ऊपर में, क्योंकि छत पे जो है ना दोस्तों माँ दुर्गा जी वाला सूट किए थे ना, तो फूल बिखरा हुआ है सब जैसे तैसे, तो उसकी सफाई कर देंगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। ओके दोस्तों, मौसम ने कहर ढा रखा है, धूप हो रहा है लेकिन हल्की हल्की हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है दोस्तों। उधर ना कोई फैक्ट्री खुला हुआ था तो बंद हो गया शायद किसी कारण बस, लेकिन अच्छा लगता है। वहाँ पे भी पेड़ पौधे हैं, छाँव है बैठने के लिए, और इसके अंदर घर बना हुआ है, ये जो ईंटा वाला दिख रहा है आपको। फिलहाल अभी हमने राशन का सामान ले लिया है, देवी जी बनाएंगे मिठाई क्योंकि उनको घर ले जाना है। और मिठाई वाला आप लोगों ने ब्लॉग भी देखा होगा जो कि बहुत ही पसंद आया। लो ठीक है, हम जा रहे हैं गाड़ी धुलवाने के लिए। खाना खाओगे? खाओगे आप? आप बताओ, आप बताओ, नहीं आप बताओगे तो हम खाएंगे, थोड़ा थोड़ा खाना खा लेते हैं। तो फाइनली अपने धनों की सफाई करवाने आ गए, क्योंकि कल ससुराल जाना है दोस्तों, तो गंदा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए एक बार और हम यहाँ पे आ चुके हैं, जो ये वाला पेड़ आप लोगों ने देखा होगा जिसमें से आम जो है गिर रहा था पका पका, तो खाए थे हमारे भैया के साथ में आए थे यहाँ पे गाड़ी धुलवाने के लिए जब हमने घर लिया था, तो बढ़िया से फिनिश हो जाया था धुल के ना दोस्तों, फिर लेके चलते हैं घर पे, जो बहुत दिनों से गंदा था, देखिए एकदम अंदर अंदर तक कचरा लगा हुआ है। हाँ राजा, हाँ एक बोतल, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ जाओ। अपनी धनों जो है धुल के एकदम रेडी हो गई है, अब निकलते हैं घर के लिए, देखिए कितना प्यारा लग रहा है देखने में। फिलहाल अब हम घर पे आ गए हैं, हो गया गाड़ी की सफाई। और एक चीज़ अभी आप लोगों ने देखा होगा, और ये आपको ये 100 रुपये बचा है, तो 350 का तेल डलवाएं, ठीक है, 350 का ऊपर का ही तेल, हाँ। और हाँ उसके बाद गाड़ी साफ हुई 50 रुपये का, हाँ। ओके मालिक, ये सब आपको मिल गया। माचिस का है क्यों नीचे खत्म क्या का है इसमें। और दोस्तों देखिए हमारे ससुराल जाने के लिए मिठाई यहाँ पे एकदम रेडी हो गया है दोस्तों। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये मिठाई पूरा। और यहाँ पे देखिए कपड़ा भी ये रख रही है पूरा,
कह जो रखे हैं कपड़ा साड़ी उड़ी सब रख रही है। इसको लिए जाने सिलवा। हाँ 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 कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, चलिए कोई बात नहीं। फिलहाल अभी ये पूरा पैक कर रही है और आज जो है ना एक हमारा सबसे प्यारा मेहमान जो है हमारे घर के हम लोग का करीबी जिसने जो है हमें लाखों रुपए की कमाई करवाई है उसको अलविदा बोलेंगे क्या जी? है ना, याद है अभी तो अभी थोड़ी देर बाद मिलते हैं। फिलहाल ये सब सारा काम कर ले, साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारे एक फैमिली मेम्बर को हमें छोड़ना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि उस फैमिली मेम्बर से हम लोग इतना प्यार करते हैं और उसने हमें इतना ज्यादा पैसा समझिए कि लाखों रुपए तक हमको कमा करके दिया है। सोचिए ये जो घर आप देख रहे हैं ये सब उसी के पैसे को बदलों से हुआ है और उसी के वजह से हुआ है। और वो फैमिली मेम्बर पता है कौन है? ये है, ठीक है, हमारा घर का फैमिली मेम्बर जो है हम लोगों से जुदा हो रहा है। हमारा घर का फैमिली मेम्बर, ये फैमिली मेम्बर क्यों है दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। इस फोन को हमने करीबन आज से तीन साल पहले हमने फोन लिया था। ये फोन पर गया था हम लोग को 35,000 रुपए का दोस्तों, ठीक है। इसको जो हम घूस दे करके 40,000 में खरीदे, ये व्यक्ति कोई और जो है जब ये लॉन्च हुआ था ये फोन, ठीक है, तो कोई व्यक्ति आकर के एडवांस जो है पैसा जमा करके चला गया था कि हमें वो फोन ला करके दीजिए, ठीक है, OnePlus Nord 2 का। और जब हम खरीदने के लिए गए थे कि OnePlus ही हमको फोन लेना है, जब हमारे चैनल पे स्ट्राइक पड़ा था उस टाइम में, तो दुकानदार ने बोला था कि भैया ये किसी और का ऑर्डर है और एक ही पीस बचा हुआ है, इसका सेल जो है बंद हो चुका है, ये फोन अब नहीं मिल रहा है। तो हमने जो 5,000 रुपए एक्स्ट्रा देकर हमने कहा कि हमें ये फोन दे दीजिए और अगला व्यक्ति को समझा दीजिएगा आप, है कि नहीं। तो इस फोन ने हमें YouTube से ढेर सारे पैसा जो है कमा करके दिया दोस्तों, ढेर सारे पैसा, ठीक है। इससे मैं वीडियो अपलोड करता था, Instagram की शुरुआत इसी से हुई, मेरा चैनल भी सबसे ज्यादा ग्रो हुआ, समझिए 2 मिलियन सब्सक्राइबर इस फोन ने करवाया है। तो थोड़ा सा दिल जो है ना थोड़ा मायूस है दोस्तों, क्या ही बताएं। और इसके जगह पे हम आज आपको दिखाएंगे कि इसके जगह अब इस फोन को हम देने वाले हैं, ठीक है। ये सैमसंग S20 Ultra 4 जो आप लोगों ने जो देखा था या व्लॉग भी देखा था, तो ये भी ये इसके तो समझ ले कि अलग ही बात है, क्या ही बोले अब, ठीक है। इस फोन में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो गया था कि 3 साल से लगातार यूज कर रहे हैं, ठीक है, Instagram की वीडियो, YouTube की वीडियो, Facebook की वीडियो, Twitter की वीडियो, ठीक है, सब दिन भर अपलोड होता रहा, 10 वीडियो Instagram पे अपलोड होता है, ब्लॉग पोस्ट होता है, ब्लॉग पे 10 रीलें पोस्ट होती है शॉर्ट्स का, ठीक है, Instagram पे, Facebook पे भी पोस्ट होता रहता है, एक Facebook बन के भी वो हट गया समझिए, एक फिर से नया Facebook का चैनल बना है जो लिंक डिस्क्रिप्शन जाके फॉलो कर लीजिएगा। तो यही हमारा फैमिली मेंबर है समझिए, इसमें आज भी 1 रुपया का सिक्का देखिए पड़ा रहता है। आज दोस्तों छत की सफाई कर रहे हैं क्योंकि देवी जी को उनको घर पे जाके छोड़ना है ना, तो फिलहाल ये कुर्सी वगैरह टूट गया था, अभी देखिए धूल उड़ रहा है एकदम गर्दे तरीके से, तो ये सब सफाई कर दी, एकदम पूरा एकदम गंदा हो गया था, एकदम फूल से पूरा समझिए कि चारों तरफ गंदा हो गया था, और 2-3 प्लास्टिक के कचरे भी थे तो उसे भी बाहर कर दिए ताकि जो है छत पूरा सफाई हो जाए। फिलहाल ऊपर का भी हमने काम कर दिया अच्छे तरीके से, और देखिए नीचे पे एकदम भुजिया बन रहा है मस्त, और चावल के आटा की पूड़ी बनेगा क्या? हाँ। तो अभी हम लोग मस्त अभी खाएंगे फिर आराम करेंगे, और अभी का व्लॉग को हम यहीं पे हो सकता है एंड करेंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे सीन को हमने अभी कर लिया रिकॉर्ड, और फटाफट चलते हैं एडिटिंग करते हैं जब तक खाना बन रहा है तब तक दोस्तों। आई होप दोस्तों आज के ब्लॉग के लिए इतने, बिहार समस्तीपुर से देख रहे पूरा फुल सपोर्ट कीजिए, अदर स्टेट से देख रहे पूरा का पूरा फुल सपोर्ट कर दीजिए, बगल में फेसबुक पेज का आईडी है जाकर के फॉलो कर लीजिए, अपना कीमती वक्त निकाल के मेरा व्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।